राजधानी देहरादून में भाजपा आजादी के महापर्व को हर घर तिरंगा अभियान के साथ इस बार भी व्यापक स्वरूप में मनाने जा रही है। वहीं इस राष्ट्रीय अभियान की तैयारी को लेकर प्रदेश मुख्यालय से आयोजित इस वर्चुअल बैठक में कार्यक्रम की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया गया। इसी कड़ी में प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बताया कि देश की अखंडता और देशभक्ति की भावना को अधिक ताकत देने के उद्देश्य से पीएम मोदी ने ये कार्यक्रम देशवासियों को दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले 3 वर्षों से जारी इस राष्ट्रव्यापी अभियान को हमें इस बार भी 13, 14, 15 अगस्त को बूथ स्तर तक मनाना है। आपको बता दें कि इस संबंध में सभी जिलों से 3-3 लोगों को संयोजक और सह संयोजक की जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें आगे मंडल स्तर तक इस अभियान के लिए टोलियों का गठन किया जाना है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। जब से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश की बागडोर संभाली है, उनका लगातार प्रयास रहा है कि जिन लोगों ने आजादी के आंदोलन में देश को आजाद करने के लिए अपने सर्वस्व को न्योछावर किया है, देश के लिए बलिदान हुए, उनकी यादों को हम सबके बीच में हमेशा वो यादें ताजा रहे, उनके किए हुए बलिदान को हर घर याद रखे, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा हर घर तिरंगा यात्रा को का शुभारंभ किया गया था। कई वर्षों से लगातार यात्रा घर घर हर घर तिरंगा फहराने को लेकर चलती रही है। इस समय भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे देश भर में, पूरे प्रदेश भर में हर घर तिरंगा फहराया जाए और हर बूथ पर, हर मंडल में, हर जिले में तिरंगा यात्रा निकाली जाए, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने इसको इस आगे बढ़ाने के लिए सभी मंडलों में, जिलों में अपनी एक समिति का भी गठन किया है और ये भव्य और दिव्य कार्यक्रम हो, इसके लिए तैयारी